करते हैं डांस से प्यार तो हो जाइए फिर तैयार, क्योंकि मैं तरुण ठाकुर आज आपको सिखाने जा रहा हूँ ऐसी फेमस डांसिंग वॉक जिसे देखकर लोग इम्प्रेस तो हो ही जाते हैं यार। क्या करें, ये स्टेप्स ही कुछ ऐसे हैं, इतने कठिन हैं कि लोग तो इम्प्रेस और अट्रैक्ट तो होंगे ही। मुझे मालूम है आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि ये वॉक आखिर किसने क्रिएटिविट किया, किसने इस वॉक को बनाया। तो मैं आपको जरूर इस जानकारी दूंगा कि हमारे लेजेंड माइकल जैक्सन, जिन्हें डांस का भगवान भी कहते हैं, उनकी ही ये देन है, उनके ही ये क्रिएटिविटी स्टेप्स हैं, क्रिएट किए हुए स्टेप हैं जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। बहुत ही मशहूर और बहुत ही अच्छे डांसिंग वॉक जो कि मैं आज आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ, बेशक आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले तो जिन्होंने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें, जिससे कि मेरी न्यू अपडेट आप तक पहुंचेगी, आप सीखेंगे डांस एंड डांसिंग स्टाइल की जानकारी भी आपको मिलेगी। चलिए तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की फेमस डांसिंग वॉक। हेलो फ्रेंड्स, अब देखिए आपको करना क्या है, राइट लेग सबसे पहले आपको इस तरह से रखना है और लेफ्ट को जैसा हमने रखा हुआ है नॉर्मली तरीके से वैसा रखना है, और राइट लेग को आपको आगे की तरफ बढ़ाना है, 1 2 3 एंड यहाँ आते ही इस तरह से राइट लेग को रख देंगे, ओके। और लेफ्ट लेग को आपको क्या करना है वो देखिए, लेफ्ट लेग को 1 2 3 4 स्लाइड करना है। स्लाइड कैसे करेंगे, जैसे हम जंप करते हैं ना, 1 2 3 4 थोड़ा थोड़ा जंप करके पीछे की तरफ लेना है। अब क्या करेंगे, राइट लेग को पीछे की तरफ कैसे लेंगे जंप करके, 1 2 3 एंड 4 4 हुआ, अब ये ऊपर आ जाएगा राइट। अब फिर से लेफ्ट लेग को पीछे करेंगे कैसा, 1 थोड़ा थोड़ा इसको भी ऊपर ही रखेंगे, लेकिन राइट लेग को आप ऐसे टो पर ही रखेंगे, हाँ 3 4 अब इसको उठा दीजिए पीछे वाले पैर को, ये फिर से स्लाइड कीजिए, 1 2 3 4 ऊपर, 5 6 7 8 2 3 अब हम स्टार्ट करेंगे साइड वॉक। साइड वॉक में पंजे को दोनों अंदर की तरफ करिए, हाँ दोनों पंजे को अंदर की तरफ कीजिए ये। अब क्या करना है, राइट वाले लेग को लेफ्ट की तरफ लेके जाना है ऐसा, क्या करना है, ये नॉर्मल खड़े हुए अब स्टार्ट किया 1 और फिर इसके बाद आपको राइट लेग को पंजे में रखना है और ये घुमाना है ऐसा, ये एड़ी में रहेगा और ये पंजे में रहेगा, और इसको इस तरह से घुमाइए और एड़ी, इसकी एड़ी को रखेंगे और इस वाले लेग को साइड लेकर जाएंगे कैसा, ये और फिर से वही स्टेप रहेगा, 1 एंड 2 का जब एड़ी नीचे रखेंगे ना तो ये पैर को आगे की तरफ शिफ्ट कर देंगे, कैसे शिफ्ट करेंगे ऐसा, ये बैलेंस देखिए मेरा पैर किस तरह से मूव है ना, फिर ये इसको मूव करेंगे और फिर आगे लेके आएंगे और फिर से एड़ी और इसको पंजे में आगे की तरफ, 1 अब फिर से करते हैं, 1 2 3 स्टार्ट, 1 2 3 4 1 2 3 4 हम स्टार्ट करते हैं अब मूनवॉक। मूनवॉक के लिए सबसे पहले आपको राइट लेग आगे की तरफ रखिए और राइट लेग को बिल्कुल फ्लैट ऐसे ज़मीन से बिल्कुल टच करके लेके जाइए, ये जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक, उसके बाद आपको पैर को इस तरह से ऊपर कर देना है, ऊपर करने के बाद लेफ्ट को भी आपको ज़मीन से पूरा टच करते हुए पीछे की तरफ लेके जाना है, पीछे की तरफ कैसे, और बैलेंस इस लेग में रखना है ऐसा, इसमें बैलेंस रहना चाहिए कैसा, ये पीछे, ओके। अब राइट को स्लाइड कीजिए, इसमें बैलेंस कीजिए, 1 2
फिर से 1 2 3 4 1 राउंड वॉक। राउंड वॉक में आपको राइट लेग इस तरह से रखना है और राइट लेग का एड़ी उठा रहेगा जब हम एड़ी को नीचे रखेंगे, इस पैर को पीछे की तरफ इस तरफ लेकर जाएंगे। एक वन इसमें पहले सारे एड़ी आएंगे इस तरफ, बस आप एड़ी को थोड़ा सा घुमा देंगे। घुमाने के बाद देखिए ये वाला पैर घूमेगा, आप इसकी एड़ी को जब नीचे रखेंगे तो राइट लेग को शिफ्ट करेंगे। कैसा? एक वन रख दिया इस तरह से ऊपर से कैसा वन। ओके, अब राइट लेग की एड़ी देखिए ऊपर है, थोड़ा सा पुश कर देंगे और इसकी एड़ी को रखेंगे और इस बार लेफ्ट लेग को पीछे की तरफ इस तरह लेकर चलेंगे। कैसा? तो नीचे बैलेंस कीजिए ये और ये, फिर से देखिए जो नीचे रख गया है और ये इसका लेफ्ट लेग एड़ी ऊपर आ गई। लेफ्ट लेग एड़ी ऊपर आ गई, थोड़ा सा पेड़ घूमेंगे ऐसा। अब एड़ी को डाउन करेंगे और इसके पूरा लेफ्ट को इस तरह लेकर आएंगे आगे ऐसा। एक टू, फिर से उस पोजिशन में आए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। 1 2 3 4